टॉक माइक डिटेल्स टिके कहिबे या विषय रे कोन रहिछि अरेंजमेंट व्यवस्था सुमन देखंतु गत किछ सम पूर्व हमें जहा रेल रेलवे रे वरिष्ठ अधिकारी के संग कथा होतलो सब 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 ट्रेन अपेक्षा एसे ए ट्रेन रो केते बडे विशेषत्व होछि देखंतु ये इलेक्ट्रिक ट्रेन किंतु मेट्रो ट्रेन टेक्नोलॉजी रे तैयार हेछि आ अर्थात एथरे मेट्रो स्टाइल रो सब प्रकार सुविधा अछि सर 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 को कहिबा कथा गोटे जिनस साधारणत एथरे जो आमे जहाँ को एसी कहउछंती एटा एसी नो एटा को क्लाइमेटाइजर को जाउछि अर्थात एथरे आ मैनुअली कोनोसी हमको ऑपरेट करबाकू पड़े नै से टेम्परेचर अनुसार निजे ही कंट्रोल है कि केते बॉडी की केते टेम्परेचर दरकार कि हॉट दरकार कोल्ड दरकार से अनुसार से मनुष्य हमको से अनुसार प्रोवाइड करता है। द्वितीय जिनस होला एटा गोटे इंट्रोडक्शन आम गोटे कहीपरिया आगामी दिन में जो ट्रेन को लेकिन गोटे मानते व्यापक मानते योजना रखा जाटा गोटे बुलेट ट्रेन पर गोटे इंट्रोडक्शन कहुपे साधारणतः यहाँ 130 स्पीड रे जहाँ व्यवस्था जी योजना रखा जाइए वर्तमान ट्रेन ट्रैक सहित आक्लामेटाइज करा जाउछि जे आम ट्रेन ट्रैक एटा केते केते स्पीड की नहीं पारिबो आमे ए विषय जाने पई चाहू प्रथमे जने जदि यात्री इमरजेंसी चाहे चेन पुलिंग सिस्टम नाही तो एठी मध्ये व्यवस्था रहिछि पुश टू टॉक वेट टॉक एवं माइक कौन करिबे जने यात्री इमरजेंसी चाहे यदि जोगाजोग काहू करिबो एटा गोटे सबुठ भलो व्यवस्था ए ट्रेन रे हिछि देखंतु कोनोसी यात्री रो कोनोसी सुविधा असुविधा पई हेले एथरे चेन पुल सिस्टम नाही एटा होछि एथरे गोटे बटम अछि पुश टू टॉक ता माने डायरेक्ट एथरे ट्रेन रो ड्राइवर किंबा ट्रेन रो पायलट संगे कथा हेइ परियो एथरे कैटेगोरिकली गाइडलाइन लिखा जाइछ जे कोनोसी सुविधा असुविधा जदि यात्रींकर किछ आवश्यक पड़े केवल इन केस ऑफ इमरजेंसी ता माने नुहे जे एठी दिया जाइछ बोली एटाकु अलग समय यूज करने कोनोसी असुविधा समय एटाकु आमे यूज करि पाला कैटेगोरिकली लिखा जाइछ इन केस ऑफ इमरजेंसी पैसेंजर हैज टू फॉलो द बिलो प्रोसीजर टू स्पीक विथ ट्रेन ऑपरेटर और ड्राइवर अर्थात कोनोसी समय जदि यात्री निजकु कौनसी असुरक्षित मना कला कि समस्या मना कला से डायरेक्ट ड्राइवर किंबा ऑपरेटर संगे कथा हो। सेकंड लाइन लिखाई प्रेस एंड होल्ड द पुश बटन विथ अंटिल एलईडी स्टॉप्स ब्लिंकिंग एंड टर्न टू रेड कलर अर्थात एटा को केमिति यूज करिवो रेड कलर हेला रेड बटन प्रेस कले रेड कलर हबो तापर से अनुसार कथा हबो। द्वितीय जिनस होला अंटिल वेट टिल अंटिल लेट ग्लो इन ग्रीन अर्थात ग्रीन कलर हेले ये आपन को ब्लिंक कला जे आपन कथा हेइ परिबे ड्राइवर आ पायलट का संगे कथा हेइ परिबे तेणु ए सब दृष्टि देखिले ए ट्रेन रे सबुठ भलो भलो व्यवस्था सुव्यवस्थित होइछि। आ गोटे जिनस आपन मन रखिथे ट्रेन थोड़े गोटे स्टेशन छाड़िले आर डोर लॉक सिस्टम ही ड्राइवर को कथा थाए तेणु यात्रीटे संपूर्ण सुरक्षित अर्थात जतेबेले आमको अलग ट्रेन रे गले ट्रेन झरका कि कबाट फबाट खोल कि जो सुविधा था रनिंग ट्रेन ने भी रनिंग ट्रेन में ट्रेन ने भी किसी दुर्घटना एमती भी हईराण कर नजरी आसी कि जेहेतु पायलट हाथ में संपूर्ण कंट्रोल डोर सिस्टम थाए जन यात्री सुरक्षित आ सुव्यवस्थित भावे गोटे स्थान चढ़ी अलग स्थान ओल्लबार तर कौन प्रकार असुविधा न था सी निजे सुरक्षित भाव एथर जात्रा कर सर। आउ गोटे कथा जानापी चाहिए आपंठ जितेबाला आप रही डेप्युटी चीफ मेकानिक इंजीनियर जे अन्य ट्रेन ठीक पृथक कौन कौन सब टेक्नोलोजी थर अच्छी प्रथम जे डोर गुड़ाक ऑटो क्लोज द्वितीय हूँ भितर बस जो चेयर गुड़ाक एरोप्लेन स्टाइल बर्तन कराई आगर ए भाया चेयर ना गोटे अन्कार चेयर सब गुड़ाक चेयर डेप्थ बेसी दीटा चेयर भितर गैप अधिका अच्छे बस सुविधा आउ बाकी देखो चेयर चार्जिंग पॉइंट अच्छे मोबाइल चार्ज देखा चाहू जो चार्जिंग पॉइंट कथा आलोचना करूँ जे एठी मध्ये चार्जिंग पॉइंट पे मध्ये स्वतंत्र व्यवस्था रही एटा होची दीटा यूएसबी पोर्ट अच्छे जो आप डायरेक्टली मोबाइल चार्ज करेंगे आ दीटा इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी अच्छे 3-pin सकेट अच्छे 2-pin सकेट अच्छे जो आप मैंने निजर मोबाइल लैपटॉप एटा व्यवहार करेंगे ठीक अच्छे। तबे शुणुले जे किभली प्रतिक्रिया रही कारण आम यात्री की भेटुचु यात्री फीडबैक नौ रेलवे वरिष्ठ अधिकारी टेक्निकल पार्ट कथा कहते आप टेक्निकल पार्ट कथा कहते जिते बुझुले से
କ'ଣ ଆଉ ରହିଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟଠୁ ପୃଥକ କାହିଁକି? ହଁ, ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯାହା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ଟାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଆର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ରେଲୱେ କଙ୍କରେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାଏ, CCTV ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଆଉ CCTV ତାପରେ କ୍ଲାଇମେଟାଇଜର ସିଷ୍ଟମ୍, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଉ ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଗିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ରହେ, ତେଣୁ ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ ସିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଆରାମସେ ବସିପାରିବ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବନି ଏବଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାହିଁକିନା ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିକି ଯାହା କରାଯାଇଛି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚମାନର ସେବା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସୁବିଧାକୁ ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ତାଇ ହୁଏ, ଚୋରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ CCTV ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜଗୁଛି। ଏକ ଦିନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ 2 CCTV ରହୁଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ CCTV ରହୁଛି, ଭିତରେ CCTV ରହୁଛି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ମନେ କରିବେ? CCTV ଅଛି ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେମିତି ବସିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିଅର ଅନୁଭୂତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର ସମୟ।